Hello students, today's topic is the poem The Alchemist. I will be explaining the poem Alchemist in Hindi line by line. I hope you all will like this video. First, I will tell you the meaning of The Alchemist. Alchemist का मतलब है वो व्यक्ति जो अलग अलग chemicals के साथ experiment करता है. There is a mysterious light burns all through the night. In that house where some people say an alchemist dwells, यानी जो alchemist है, जो रसायन शास्त्री है, उसके घर की जो light है वो हमेशा दिन रात जलती रहती है. कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर alchemist रहता है. With books full of spells and a cat who scares children away, उसके घर में एक किताब है जिसके अंदर उसने अपने प्रयोग लिखे हैं या मंत्र लिखे हैं जिन्हें पढ़कर वो अपने एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके घर में एक बिल्ली रहती है जिससे डरकर बच्चे भाग जाते हैं. सम से दैट ही लीव्स इन दैट हाउस ऑल अलोन, कुछ कहते हैं कि वो उस घर में बिल्कुल अकेला रहता है. सम से ही हैज़ क्लोज एंड अ बीक, कुछ कहते हैं कि उसके पास एक पंजा है और एक चोंच है. सम से ही कीप्स रैट्स, कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास कुछ चूहे हैं. एंड वैम्पायर बैट्स, और चमगादड़ हैं. एंड ए रवेन ही हैज़ टॉट हाउ टू स्पीक, और एक बहुत बड़ा कौवा है जिसको उसने बोलना सिखाया है. Now the next page. And the children play dare, I dare you to spy, I dare you to knock on his pane. और जो बच्चे हैं वहाँ गेम खेलते हैं उसके घर के बाहर, वो एक दूसरे से कहते हैं कि जाकर उसके दरवाजे पर, यानी जो उसके खिड़की का जो कांच है उसके ऊपर जाके नॉक करके आओ. जो नॉक करके आएगा यानी वो बहादुर है, उसकी जासूसी करना चाहते हैं, उस गेम को खेलते हैं वो. दे से दोज हु डेयर टू एंटर इज लेयर हैव नेवर बीन सीन अगेन, और वो ये कहते हैं कि जो उसकी लेयर यानी डेन यानी उसके घर में घुसने की हिम्मत करते हैं उन्हें दोबारा वहाँ देखा नहीं जाता. दे से दैट इज फर्नेस टर्न्स आयरन एंड ब्रोंज इनटू इनगोट्स ऑफ ग्लिसनिंग गोल्ड, और ये भी कहते हैं कि जो उसका फर्नेस है, फर्नेस यानी जो उसकी भट्टी है जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट करता है, वो आयरन और ब्रोंज को चमकते हुए सोने के अंदर बदल देता है. They say if you take the powder he makes, you will never fall sick or grow old. और वो ये भी कहते हैं कि जो पाउडर वो बनाता है, अगर आप उसे लोगे तो ना तो कभी आप बीमार पड़ोगे और ना ही कभी बूढ़े होगे. Some say he is a wizard, कुछ कहते हैं कि वो एक जादूगर है. Some say he is a saint, कुछ कहते हैं वो एक संत है. Some say he eats toads for his tea, और कुछ कहते हैं कि वो अपनी चाय के लिए जो मेंढक होते हैं उन्हें खाता है. सो आई डोंट थिंक आई विल पे हिम अ विज़िट टुडे, इसलिए मैं नहीं सोचता कि आज मैं उसके घर जाऊंगा. फॉर फियर ही शुड वॉन्ट टू ईट मी, क्योंकि उसे डर है कि वो उसको खा जाएगा. आई होप the poem is clear to you. Thank you.